स्टूडेंट्स, आज हम विदाउट टेबल लॉग एंड एंटी लॉग की स्टडी करेंगे। लॉग और एंटी लॉग को बिना टेबल किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इस मोबाइल स्क्रीन पर आपको यहाँ पर लॉग 1 से लगाकर लॉग 10 तक की वैल्यू नज़र आ रही है। ठीक, लॉग 1 देखिए 0 और लॉग 10 1। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, लॉग 1 से लगा के लॉग 10 तक जो वैल्यूज़ होती हैं वो याद रखिए 0 और 1 के बीच में ही होती हैं। ठीक, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इस मेथड में हम बिना लॉग टेबल के लॉग और एंटी लॉग को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। देखिए, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, लॉग एम रेस्ट द पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम होता है। यानी कि आप यहाँ पर जो लॉग कैलकुलेट करेंगे वो इन्हीं फार्मूले का ही यूज़ करके आपको करना है बस। ठीक, अच्छा, इस मेथड में आप मैक्सिमम 3 वैल्यू को याद कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार बनाया है, लॉग 2 को याद कर लीजिए आप 0.3010, लॉग 3 को याद कर लो आप 0.4771, और लॉग 5 को याद कर लो 0.6990, बाकी सभी वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने आपको फिर से कहा कि लॉग 2 की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगी 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू याद रखना पड़ेगी 0.4771, और लॉग 5 की वैल्यू 0.6990। ठीक, चलिए अब बाकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज हमारे सामने है यहाँ पर ये लॉग 4 है। अब देखिए, लॉग 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग 2 की पावर 2। ठीक है, जब लॉग 2 की पावर 2 लिखेंगे आप तो यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट हो रहा है, लॉग एम रेस्ट द पावर एन। तो वो क्या होता है, ये देखिए, लॉग एम रेस्ट द पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग एम। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 जो है आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ गया और यहाँ हो जाएगा लॉग 2। ठीक, अब 2 तो हमने क्या किया, ऐसा कैसे रहने दिया, लॉग 2 की वैल्यू मैंने बताया था आपको कि आपको याद करना पड़ेगी 0.3010। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0.6020, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, फाइंड हो गई। ठीक, अब जैसे लॉग 8 है तो लॉग 8 को आप इस तरह लिख सकते हो 2 की पावर 3, है ना, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3। तो फिर फार्मूला वही लगा दो लॉग एम रेस्ट द पावर एन वाला, तो एन क्या होता है आगे आता है, बाकी लॉग एम पीछे, तो यहाँ 3 क्या होगा आगे आ जाएगा, तो 3 log 2, है ना। अब क्या होगा, 3 को हमने ऐसे कैसे लिखा, लॉग 2 की वैल्यू तो आप जानते हैं 0.3010, इसका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सोचिए, इसका आंसर आएगा 0.9031, ये इतना इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, लॉग 6 की बात करते हैं, तो लॉग 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, log 2 × 3, 2 × 3 = 6। तो चलो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log m इंटू एन वाला, तो क्या होगा, ये देखिए, log 2 + log 3, ये कर लीजिए। अब log 2 की वैल्यू आपको पता है, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, ये होती है। log 3 की वैल्यू मैंने आपको कहा था याद करने के लिए, तो 0.4771। ठीक, अब जरा इन दोनों को ऐड करो तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 0.7782, ये आ गई। ठीक,
चलिए इसी तरह से अगर हम चाहें तो लॉग एट को हम ऐसे भी कर सकते हैं और लॉग एट को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं लॉग टू, भाई लॉग एम इन टू एन, लॉग एम प्लस एन, ये वाला फॉर्म लगेगा तो लॉग टू प्लस लॉग फोर ऐसे हो जाएगा। अब लॉग टू की वैल्यू तो आपको पता है, आप जानते हैं 0.3010, ठीक है। लॉग फोर की वैल्यू भी आपने निकाली है, देखिए ठीक है, तो यहाँ लिख दो, ये देखिए 0.6020 है ना। अब आपको पता है लॉग एट है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऐड करो यहाँ पर तो आ जाएगा 0.9031, ये इतनी वैल्यू आ गई ठीक। अगर आप मान के चलो कि जैसे आपके सामने यहाँ पर अब लॉग 10 है, वैसे तो आपको पता है कि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन मैं एक फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ कि कैसे आई। देखिए इस वैल्यू को, तो लॉग एम इंटू एन तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 प्लस लॉग 5। अब लॉग 2 की वैल्यू तो आप जानते हैं 0.3010, ये लॉग 5 की वैल्यू मैंने याद करने को कहा था आपको 0.6990। जब इनको ऐड करोगे तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 1, ये देखिए आ गई ठीक है। अब इसी तरह से मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता जैसे लॉग 0.005, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, 1 2 3, पॉइंट हटा दो नीचे कितने आ जाएंगे, 3 0, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लॉग ये 5 अपॉन में आएगा 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए लॉग ये 5 इंटू, फिर यहाँ पर होगा 10 की पावर -3, ये हो गया ठीक है। अब फार्मूला लगा दो यहाँ पर, देखिए कैसे लगेगा, लॉग 5 प्लस लॉग 10 रेज़ पावर -3, फिर यहाँ पर एक और फार्मूला जनरेट होता है आपको पता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग 5 लॉग m^n, वो वाला लगेगा तो -3 के आगे आ जाएगा, और ये लॉग 10, और लॉग 10 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वैल्यू क्या होती है, 1, और लॉग 5 की तो याद करना पड़ती है आपको 0.6990 ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, -3, और लॉग 10 की जगह क्या, चलो लॉग 10 को हमने 1 लिख दिया यहाँ पर ठीक है, ये into 1 कर दिया, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, 0.6990-3, ये इतना बचा ठीक है। अब -3 में से इसको सबट्रैक्ट कर दो ठीक है, जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2.031, ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप कोई सा भी क्वेश्चन हो ठीक है, आप इन्हीं फार्मूला का यूज़ करेंगे ठीक है, या तो आप उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में एडजस्ट कर लो, या फिर उसको डिवाइड फॉर्म में एडजस्ट कर लो, या फिर पावर फॉर्म में एडजस्ट कर लो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अब आपको जो है लॉग निकालना जो है काफ़ी हद तक है ना आ जाएगा, अब आपको लॉग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फिर ये थोड़ा प्रैक्टिस करो। चलिए अब हम नेक्स्ट एंटी लॉग की बात करते हैं, है ना, ज़्यादातर बच्चों को एंटी लॉग में प्रॉब्लम आती है, चलिए अब लेकिन नहीं होगी, शुरुआत करते हैं हम एंटी लॉग से। जैसा कि आप जानते हैं एंटी लॉग लॉग का जस्ट अपोजिट होता है ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिए ये एंटी लॉग, तो एंटी लॉग क्या होता है, 1 अपॉन लॉग इक्वल टू एंटी लॉग ठीक है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, ये देखिए एंटी लॉग 5.7 का हमको निकालना है ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंटी लॉग 5.7 का हमको निकालना है, तो 5.7 को सबसे पहले हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं कि पॉइंट से पहले ये जो डिजिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये, और पॉइंट से पॉइंट के जस्ट बाद जो डिजिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैंटिसा ठीक। अब आपको पता होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चल जाता है, मगर मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अच्छी बात है क्वेश्चन में कि दोनों ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। चलो आगे चलते हैं, अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये एंटी लॉग
और यहां लिख सकते हैं हम 5 प्लस और यहां हो जाएगा 0.7। आप ऐड करोगे तो डियर 5.7 ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है आगे, इसको हमने बोला कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है हमेशा 10 की पावर में आता है, तो इस 5 को हम लिख लेंगे अब आगे बिकॉज प्लस है, तो 10 की पावर हमने 5 लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा, 0.7, तो 0.7 को अगर आप है ना लॉग टेबल में देखें, ये देखिए 0.6990 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.7, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है, 5 की है ना, तो हम इस 0.7 की जगह पर अब हम लिख लेंगे यहां पर क्या, 5, बस ये आंसर आ गया, है ना। तो आपने देख लिया कि ये आंसर किस तरह से आया, एक बार फिर से देखिए, यहां 0.7 है और 0.7 वैल्यू किसकी होती है, लॉग 5 की, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 5 रखना है सामने, ये 5 रख दिया, ये आंसर आ गया, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छा लगेगा आपको, जैसे हम एंटी लॉग करते हैं -4.4 का, तो यहां देखिए कि थोड़ा सा मैंने कहा था पहले कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, थोड़ा सोचो दिमाग से, ये है एंटी लॉग, -4 प्लस -0.4, तो मैंने आपसे कहा था कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये देखिए ये क्या है, ये मैंटिस है, तो ये माइनस हो प्लस हो चल जाएगा, मगर ये कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर -1 करेंगे और इधर +1 करेंगे, करिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, और ये क्या हो जाएगा डियर, ये देखिए ये -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, प्लस का होगा, प्लस कितना हो गया ये, 0. देखिए ना 6 हो जाएगा, हो गया। अब आपको पता है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा 10 की पावर में आता है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -5। अब ये 0.6 है, ये देखिए, अब 0.6 को आप टेबल में देखो, ये देखिए कौन है, 4, बस 4 लिख दो, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, 4 कर दिया, ये देखिए ये आंसर आ गया, ठीक। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए जैसे -6.6 है, इसको अलग अलग करके लिख लो, -6 प्लस -0.6, आपको पता है ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये क्या है, ये मैंटिसा है, इसमें मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, -1 +1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। अब 1 में से इसको सबट्रैक्ट करो 0.6 को, ठीक है, ये 1 में से सबट्रैक्ट करो 0.6 को, क्या आ जाएगा, 0.4 आएगा, तो यहाँ पर आएगा +0.4, ठीक। अब ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हमेशा 10 की पावर में लिखते हैं, ये -7 आ गया। अब देखो 0.4, अब 0.4 को ढूंढो जरा, 0.4 कहाँ है, तो ये देखिए 0.4 किसके आ गए हैं, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ये आपने 3 लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपने लॉग और एंटी लॉग दोनों निकालना सीखा, वो भी बिना टेबल के, लेकिन एक बात है, ये जो आंसर है ना, ये एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है, ये एक्यूरेटली आंसर नहीं आते हैं, जैसे नीट है, JEE है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें अप्रोक्स वैल्यू है ना के ऑप्शन आते हैं, इसलिए उसके लिए ट्रिक बेहतरीन है, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, खासकर जी के लिए, ठीक है, नीट के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना। लेकिन इससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्स वैल्यू आती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है। अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।